हेलो, सत श्री अकाल आदम दोस्तों। आयुष चिकित्सक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज फिर जो है ना पुराने टॉपिक पर बात करेंगे, मेंसुरेशन यानी माहवारी का कम आना या बिल्कुल नहीं आना। इससे पहले वीडियो में हमने बताया कि भाई माहवारी के जो है ना क्या कारण होते हैं, और उसमें एक कारण पर जो है ना हमने डिस्कस की कि अगर किसी को खून की कमी है, खून की कमी की वजह से भी जो है ना मेंसुरेशन नहीं आते हैं, माहवारी नहीं आती है, तो उसके मैंने पूरा ट्रीटमेंट बताया आपको। तो और इसके अलावा और बहुत सारी डिजीज होती हैं, हर डिजीज के हिसाब से मैं आपको जो है ना देसी यूनानी ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो इसके एक बार फिर से आपको जो है ना वो दोहरा देता हूँ मैं, भाई कारण क्या क्या होते हैं। इसके कारणों में एक सबसे बड़ा कारण होता है, एक तो जो है ना अधेड़ उम्र की औरतें, यानी जब मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद में मेंसुरेशन नहीं आती है। एक कम उम्र की लड़कियां, जब प्यूबर्टी का टाइम नहीं हुआ तो उससे पहले जो है मेंसुरेशन नहीं आता है। और इसके अलावा ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से जो है ना मेंसुरेशन में दिक्कत पैदा होती है। लाइफ स्टाइल हमारा ऐसा हो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। तनाव और कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स लेने के बाद भी जो है ना उसका सेवन करने से भी जो है ना कई बार मेंसुरेशन नहीं आता है। और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ भी होती हैं कई, और वजन बढ़ना भी इसमें एक कारण बन जाता है। और एनीमिया है वो मैंने आपको बता दिया। और फीडिंग के दौरान जब बच्चा होता है, बच्चा दूध पीता है, कई बार इस पीरियड में भी जो है ना मेंसुरेशन नहीं आते हैं। और अधिक एक्सरसाइज करने से तो मेंसुरेशन नहीं आते हैं। और पीसीओडी या पीसीओएस इन्फेक्शन हो जाए कोई यूट्रस में, वजाइना में, इसकी वजह से भी जो है ना मेंसुरेशन नहीं आता है। या जो है ना यूट्रस में सूजन आ जाना, यूट्रस पर सूजन आ जाता है तो इसकी वजह से भी जो है ना मेंसुरेशन नहीं होता है। तो दोस्तों ये इसके कई कारण हैं, कई रीज़न हैं जिसकी वजह से मेंसुरेशन या तो कम आता है या बिल्कुल नहीं आता है। और किसी किसी को ज़्यादा भी आता है, मगर अभी अपन जो है ना मेंसुरेशन अगर कम आ रहा है या नहीं आ रहा है तो उस बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो इससे पहले जो एनीमिया की दिक्कत होती है, मान लो खून कम बनने आता है, उसमें जो मेंसुरेशन में को मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया। और आज अपन बात करते हैं अगर किसी के बच्चेदानी पे वरम आ जाए, बच्चेदानी पे सूजन आ जाए, तो इसका क्या इलाज कर सकते हैं अपन यूनानी में। तो आज अपन जो है ना इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से दोस्तों जो हमारी माए बहनें ऐसी हैं जिनको ये दिक्कत है तो उन तक ये वो वीडियो पहुँचाओ, आपको भी जो है ना फ़ायदा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा, और आपके लिए पुण्य का सवाब का काम भी है आगे ही पहुँचाना। किसी का भला हो जाए तो आपको भी जो है ना इसका सवाब मिलता है, इसका जो है ना पुण्य मिलेगा। दोस्तों अगर किसी के जो है ना बच्चेदानी पे सूजन आ जाए तो उसका क्या इलाज करना चाहिए, इसका मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ दोस्तों। इस नुस्खे को आजमाने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। इसमें आपको मगज कुर्तम और पोस्ट खरपजा, गौजबा, परस्यावसा, अभल, ये सभी दवाइयाँ 5-5 माशा लेनी है और 3 पाव पानी में उबालने हैं। इनको उबालने पर इतना उबालना है जब पानी 1 पाव रह जाए, 2 पाव पानी ख़त्म हो जाए, तो इसको छानकर और शरबत बजूरी के साथ में मिलाकर इसको सुबह शाम लेना है। ये करीब आपको 5-5 ml लेना है सुबह और शाम। तो दोस्तों इसके करने से, ये नुस्खा इस्तेमाल करने से जो बच्चेदानी की सूजन है वो कम हो जाएगी, वो उतर जाएगी और जो है ना मेंसुरेशन की शिकायत वो दूर हो जाएगी। तो ये इस्तेमाल करें, और जो है नीम के पत्ते और जी आपका बांसे के पत्ते और आपका जो है ये अमरबेल, इन तीनों चीज़ों को पानी में पका के और इसको जो है ना इससे पेड़ों का सेक भी कर सकते हैं, पेट का पेड़ों का नीचे के हिस्से में लोअर एब्डोमेन का जो है ना इससे सेक कर सकते हैं हल्के गर्म पानी से, या थैली में करके नहीं करोगे तो वैसे पानी डाल के करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका सेक से भी जो है आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, इससे जो है ना बच्चेदानी की जो यूट्रस की सूजन है वो कम होगी और मेंसुरेशन चालू हो जाएगी। दोस्तों
अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।